Ship 5-8, over. यमन के हूती विद्रोहियों का आतंक एक बार फिर पश्चिमी देशों को झेलना पड़ रहा है। लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक में हूती लड़ाके जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही ड्रोन, मिसाइलों, लंबी दूरी के रॉकेटों और स्पीड बोटों से हमले को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में कई महीनों से जारी हवाई हमलों के बावजूद हूती लड़ाके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके हूतियों ने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स को धमकी देना जारी रखा है। लड़ाके जहाजों पर हमला करने के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी महीने हूतियों ने एक जहाज को डुबो दिया तो वहीं दूसरे में आग लगा दी। जमीन और समंदर से हूती लड़ाकों ने अमेरिकी वॉरशिप पर कई सारे ड्रोन से हमला किया। दावा है कि हूतियों ने एक रिमोट कंट्रोल बोट भी तैनात की है जो कि विस्फोटकों और हथियारों से लदी है। हूतियों को काबू करने में नाकामयाब रहने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना लड़खड़ा रही है। बताया जाता है कि नौसैनिक टारगेट पर हमला करने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला पहला समूह बन गया है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि लड़ाकों ने इजरायली बंदरगाह का इस्तेमाल करने के बाद एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया। ईरान समर्थित आतंकी समूह के सैन्य प्रवक्ता ने घोषणा की कि लाइबेरिया झंडे वाले कैरियर ट्रांसवर्ड नेविगेटर को अरब सागर में सीधे बैलिस्टिक मिसाइलों से मारा गया। याह्या सारी ने पहले की धमकियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहाज को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इसका मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश कर प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। हूतियों ने 23 जून को दावा किया कि लड़ाकों ने इराक के इस्लामिक प्रतिरोध के साथ एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। इसमें इसराइल के उत्तरी हाइफा बंदरगाह पर 4 जहाजों को निशाना बनाया गया। वहीं गाजा में युद्ध के चलते शुरू हुई हूतियों के समुद्री हमलों का महीनों तक जवाब देने के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लौटने का आदेश मिला है। ऐसा दावा है कि हालिया हमला इस हफ्ते एमवी ट्यूटर जहाज के डूबने के बाद हुआ है जो महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों में कमर्शियल जहाजों के खिलाफ हमलों की ओर इशारा करता है। यमन आर्म फोर्स के प्रवक्ता ने यूएसएस आइजनहावर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले का भी दावा किया है। इस वॉरशिप ने गाजा पर इसराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन का नेतृत्व किया। हूतियों ने दावा किया कि ऑपरेशन ने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हूतियों का दावा झूठा है। हूतियों और उनका समर्थन करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर में डुबवाने का गलत दावा किया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि यमन में अदन से 126 समुद्री मील पूर्व में एक जहाज पर हमला किया गया था। जहाज के कैप्टन ने जहाज के पास ब्लास्ट का अलर्ट दिया, साथ ही चालक दल के सुरक्षित होने की जानकारी दी। गौरतलब है कि हूतियों ने अपने खतरनाक सैन्य अभियान को जारी रखने का दावा किया है। हूती फिलिस्तीनियों के साथ है, ये हमले तभी रुकेंगे जब गाजा की घेराबंदी हटा ली जाएगी। गाजा में इजरायली हमले शुरू होने के बाद से हूती विद्रोहियों ने अब तक 60 से ज्यादा हमले किए हैं। 2 कमर्शियल जहाजों को डुबो दिया, एक अन्य को जब्त किया, दर्जन भर से ज्यादा हमले किए हैं। बीते मार्च महीने में हूतियों ने अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से बारबाडोस के जहाज में आग लगाने के बाद 3 लोगों को मार डालने का दावा किया था।